हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं। वो USD, INR, यूरो सभी करेंसीज को लगभग ट्रेड करते हैं। करेंसीज की एनालिसिस करने में भी उनकी स्पेशलिटी है। वो अपने ही तरीके से, अपने फंडामेंटल्स या अपनी स्टडी के बिहाफ पर एक अच्छा व्यू करेंसी में डेवलप करते हैं। टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ा कम फॉलो करते हैं, वो कोई बात नहीं। पर उनका जो एनालिसिस रहता है, उनका जो अजम्पशन रहता है अपने डेटा पॉइंट्स पर, वो बहुत अच्छा रहता है और वो काफी अच्छा करेंसी में अर्न भी करते हैं। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो ये वीडियो मेरे साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं आपके लिए उनकी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, और मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूंगा। उनका नाम है सौरव जोशी। सौरव भाई, नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार हेलो एवरीबॉडी। सौरव आपने जी, मुझे हम चांस आपका दिया बहुत तो बहुत लिए। स्वागत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर, और हम चाहेंगे कि आप अपनी स्ट्रेटजी, अपना एनालिसिस, अपना एक्सपीरियंस हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें भी कुछ ऐसा टिप्स दीजिए कि हम जल्दी जल्दी करेंसी में, USD, INR या यूरो में अच्छा अर्न कर सकें। सौरभ जी, ओके सर, तो मैं मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं सौरभ जोशी, मैं 5 साल से करेंसी ट्रेडिंग में हूँ। एक्चुअली मैं रिस्क मैनेजमेंट फर्म के लिए काम करता हूँ। वहाँ पे मेजरली इम्पोर्ट एक्सपोर्टर्स को हम एडवाइस देते हैं। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मोस्टली रिस्क मैनेजमेंट। वो आप करेंसी ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने MBA फाइनेंस कम्प्लीट करने के बाद ये जॉब ज्वाइन किया था, तो उसमें मैंने पहले क्या सीखा था, बेसिक फंडामेंटल सीखा था पहले, उसके बाद टेक्निकल सीखा था। बट मेजरली 80 देखा जाए तो 60% टेक्निकल है और 40% वेटेज फंडामेंटल को है। और USD INR में उसके बाद मैंने EUR INR, GBP INR और JPY INR, ऐसे चारों करेंसी में मैं एडवाइस देता हूँ। राइट, टेक्निकल रिपोर्ट्स लिखता हूँ, फंडामेंटल रिपोर्ट्स लिखता हूँ। तो USD INR ऐसी करेंसी है ना, वो ट्रेडिंग जैसी नहीं है। इट इज़ अ मैनेज्ड करेंसी, लाइक वो कंट्रोल्ड रहता है। इट्स नॉट लाइक इक्विटी, वो ऊपर ऊपर ही जाएगा या नीचे नीचे जाएगी। वो मैनेज्ड रहता है क्योंकि उस पर RBI का पावर रहता है। तो मेजरली ऐसा है नहीं कि एक ही ट्रेंड पकड़ के रहेगा, इसलिए आपको करेंसी है जो होलिस्टिक व्यू से आपको देखना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक अ वन साइडेड करेंसी, उसमें आपको पूरी तरीके से चारों एंगल से देखना पड़ेगा। जैसे फंडामेंटल क्या है, इकोनॉमिक्स क्या चल रहा है, अभी करंट रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द इंडियाज पोजिशन ऑल्सो, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या, करंट अकाउंट सरप्लस है, ये सब फैक्टर्स उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर FII इन्वेस्टर्स, FPI, ये सब, वो सब मिला के करेंसी का ये डिराइव होता है सप्लाई डिमांड पे। इट इज टोटली ड्रिवन बाय इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो बेसिकली मैं टेक्निकल एनालिसिस में स्टार्ट करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस से तो मैं मोस्टली लॉन्गर परस्पेक्टिव से देखता हूँ, छोटे परस्पेक्टिव से बहुत कम बार देखता हूँ, क्योंकि मेरा इंट्राडे डे बहुत कम रहता है। मेरा मोस्टली पोजिशनल दे तो 6 मंथ वाला व्यू होता है, क्योंकि मेरे को एक्सपोर्टर्स को एडवाइस करना रहता है। जैसे देखा जाए तो मैं वीकली और डेली चार्ट देखता हूँ, बट मंथली से मेरे को ऊपर से अच्छा खासा ओवरव्यू दिखता है। तो ये देखो, मंथली में मैं पहले क्या करता हूँ, मंथली चार्ट डालता हूँ, उसमें मेरा की इंडिकेटर्स है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसके बाद RSI भी डालता हूँ, और कभी कभी इचिमोटो क्लाउड भी यूज करता हूँ। तो मंथली में देखा जाए तो मेरा, मैं ऐसा देखता हूँ कि सबसे प्रीवियस लो क्या था रुपी का, तो दैट इज अ रेजिस्टेंस फॉर द रुपी। तो वहां से बहुत बार टर्न मारा है, तो पहले यहाँ पे सपोर्ट था बहुत सालों बाद, तो यहाँ पे 73 पे, ये अभी कोविड के पहले का प्रीवियस हाई था। ये देखो मंथली में देखा जाए तो दिस वाज द हाई 74.13 पे। तो देखा जाए तो उसके बाद यही उसका रेजिस्टेंस था 2 साल तक के लिए, बट जैसे ही कोविड का न्यूज आया फंडामेंटल, तो उसने ये तोड़ दिया, बट ये रैली सस्टेन नहीं हो पाई। तो अगेन इसने नया हाई तो बनाया, बट 77 के आसपास, 76.96 के आसपास उसने रेजिस्टेंस होके वो फिर से रिजेक्ट होके नीचे आया। तो ये ऐसे टेक्निकल में मैं देखता हूँ कि कहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, कि वहाँ पे RBI सेलिंग करती है क्या, एक्सपोर्टर्स बेच रहे। तो यहाँ पे यही था, मंथली में देखा जाए तो 77 वॉज द रेजिस्टेंस फॉर द डॉलर, डॉलर ऊपर नहीं जा रहा पा रहा था। तो उसके बाद मैं देखता हूँ वीकली में, तो वीकली में थोड़ा
छोटा प्रोस्पेक्टिव मानो 2 महीना 1 महीना के लिए आपको बहुत यूजफुल होता है कि उसका ट्रेंड कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन होने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट था बहुत ही इंपॉर्टेंट 74.25 जो प्रीवियस हाई था 2018 में, तो वो सपोर्ट तोड़ने वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस करेंसी में बहुत काम करते। तो आप देखा जाए तो ये एक बार उसने तोड़ा तो वही उसका रेजिस्टेंस बना है, ये देखो 74. तो मतलब आप सब कहना चाहते हैं कि अभी इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है करेंसी का? हाँ, अभी जाना मुश्किल है क्योंकि मैं आपको फंडामेंटल व्यू से बोल रहा हूँ कि अभी देखो आरबीआई ने अपने आरबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी कभी भी आपको यूएसडीआईएनआर में अगर अच्छा खासा पैसा कमाना है ना तो आपको आरबीआई के परस्पेक्टिव से थिंक करना पड़ेगा। आरबीआई अपने एमबीसी मीटिंग में डिक्लेयर करती है कि उनका प्रोजेक्शन क्या रहेगा, यूएसडीआईएनआर का क्या आउटलुक है, उनको कैसा करना है। तो आरबीआई ने क्या बोला है, उन्होंने पिछले सर्कुलर में आपको सर्कुलर सब मिल जाएगा आरबीआई के, अगर वेबसाइट पे जाएंगे आप आपको दिखाता हूँ। तो आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अभी यहाँ पे एक्सेस नहीं है मेरे इस पे, तो आरबीआई के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपने सुना होगा मॉनिटरी ये एमपीसी कमिटी है जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी होती है, वो डिसाइड करती है कि इंडिया के इकोनॉमिक आउटलुक क्या रहेगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, इंडिया का नेट डेट यानी बोलते हैं ना फॉरेक्स का आउटस्टैंडिंग लोन्स, ये सब देखे वो डिसाइड कर दे कि करेंसी को कितना ऊपर लेके जाना है और कितना नीचे लेके आना है। तो कभी भी देखो आप आरबीआई आपने देखा होगा बहुत बार इंटरवेंट करती है, दोनों साइड करती है, कभी ऊपर के साइड भी करती है कभी नीचे की साइड भी करती है, यानी बाय करती है सेल करती है डॉलर्स, क्योंकि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व देखो तो अभी ऑल टाइम हाई पे है क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने अपना अपना स्टेक बेचा है फॉरेन मार्केट में, उसके कारण एफआई इन्फ्लोज इंडियन मार्केट में आ गए हैं। एंड आरबीआई को अपना इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाना है, उसके कारण उन्होंने रुपी को थोड़ा स्ट्रांग होने के लिए चांस दिया है, नहीं तो अभी तो रुपी ऊपर ही रहने वाला था, बट एक्चुअली आरबीआई ने कुछ इंटरवेंशन नहीं किया और रिलायंस का भी इन्फ्लोस वगैरह आने के कारण ये अच्छा खासा ये एक रेड कैंडल आया, ये सब रिलायंस का इन्फ्लोस का इंपैक्ट हुआ, INR अप्रिशिएट हुआ। यही है कि आरबीआई ने बहुत बार अपने सर्कुलर में बोला है कि हमको अपने बॉन्ड यील्ड्स रहते हैं वो भी करेंसी से रिलेटेड होते हैं, तो उनकी लिक्विडिटी अगर कम हो जाएगी रुपी की तो प्रॉब्लम हो जाएगा और यील्ड्स ये हो जाएंगे इंक्रीज होंगे, तो उसके वजह से क्या होता है ना कि आरबीआई अलाउड नहीं करती है ज्यादा मूवमेंट करेंसी में, इसके कारण उन्होंने अपसाइड तो अभी कैप किया है 75 तक के लिए, यानी बोले ये एक हाई ये दिखा रहा है ये। तो सर अभी जो रिसेंट एमपीसी मीटिंग है जैसे आप बता रहे हैं तो उसका हाँ। भी क्या कंक्लूजन निकलता है कि इस रेंज में अभी यूएसडी आईएनआर रह सकता है? अभी अगर देखा जाए करंटली एमपीसी जो कंक्लूड किया है तो शक्तिकांता दास जी ने बोला है कि रुपी यानी इंडिया की पोजिशन कंफर्टेबल है और क्वार्टर फोर में इंडिया का जीडीपी रेट पॉजिटिव आ सकता है, तो ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू है और अभी इंटरेस्ट रेट कट करने के चांसेस तो बहुत कम है इन्फ्लेशन के वजह से, बट आगे जाके हो सकता है, तो उसके कारण थोड़ा रुपी और स्ट्रांग हो सकता है और मेजरली आरबीआई से ज्यादा अभी यूएस इलेक्शन आ रहे हैं और एक्चुअली कैसा रहता है ना करेंसी में कोई भी अपना कंट्री जब प्रिंटिंग करता है बोलते हैं ना मनी प्रिंटिंग स्टिमुलस पैकेज देना ने क्या है जस्ट प्रिंटिंग द मनी, तो वो यूएस ने बहुत काफी बढ़ाया है कोविड के बाद और ट्रंप ने और एक स्टिमुलस पैकेज ऐड करने का गारंटी दिया है, उसके कारण क्या होता है कि कोई भी कंट्री ज्यादा पैसा प्रिंट करती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ये भी एक कारण है। आप कभी भी देखो जब यूएस स्टिमुलस पैकेज बढ़ाता है ना तो उसका डॉलर का वैल्यू अगले 6 महीने में गिर जाता है, जैसे उन्होंने अप्रैल मई में चालू किया मनी प्रिंटिंग आपने देखा होगा कि डॉलर नीचे आ गया उसके बाद, तो यही ये भी इम्पैक्ट है, यूएस जितना अपना स्टिमुलस बढ़ाएगा डॉलर उतना कम होते जाएगा मार्केट में, क्योंकि डॉलर बहुत लिक्विडिटी होने के कारण उसका वैल्यू कभी भी कोई चीज का सप्लाई और डिमांड पे है पूरा आपने देखा होगा, इसके कारण आपने देखा होगा यूरो और जीबीपी में भी जंप मारा था क्योंकि डॉलर की लिक्विडिटी बहुत कम हुई थी और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के टॉक्स के कारण यूएस में उसकी वैल्यू बहुत कम हुई थी मार्केट में, और अभी यूएस इलेक्शन आ रहा है तो लग रहा है कि थोड़ा डॉलर वीक हो सकता है टिल इलेक्शन तक, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ओके तो मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि जैसे यूएस में स्टिमुलस की न्यूज है उस वजह से डॉलर वीक हुआ है और उसके साथ साथ आरबीआई इंटरवीन नहीं कर रहा है एमपीसी पॉलिसीज में, इंटरेस्ट रेट्स में कोई वेरिएशन नहीं है, उसकी वजह से आईएनआर भी अप्रिशिएट किया है। हाँ, और ये भी है कि इनफ्लोस भी आ रहे हैं, आपने रोज देखते होंगे कि रिलायंस इज सेलिंग स्टेक्स फॉरेन कंपनीज को, तो उसका इनफ्लोस राइट राइट। और कैसा रहता ना कि एफपीआई अभी इंडियन मार्केट के जो बोलते हैं ना ग्रीन शूट्स विजिबल है इकोनॉमी में, इंडिया का इकोनॉमिक डेटा भी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इकोनॉमिक डेटा का बहुत इंपैक्ट होता है, जैसे ये परचेसर मैनेजर इंडेक्स रहता है, पीएमआई डेटा,
जीडीपी डेटा, ये जैसे अच्छा अच्छा आएगा ना, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंडियन मार्केट में और उसका इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में। आपने देखा होगा निफ्टी ने जबरदस्त रैली किया है बॉटम से लेके, तो उसके कारण ही था क्योंकि मार्केट मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर देता है ये फैक्टर्स कि अभी आगे जाके कोविड का इम्पैक्ट निकल गया है, अभी फिर से इकोनॉमी रेडी है आगे जाने के लिए। और बट एक रिस्क साइन जो गवर्नर ने बोला कि इंडिया का नेट डेट बढ़ गया है, जो बोलते हैं ना एक्सटर्नल डेट, वो ऑल टाइम हाई पे है, तो उसके कारण भी आरबीआई ने जो पिछले बार जो बाइंग की थी ना, तो उसके कारण दे कभी भी कोई भी कंट्री अपना एक्सटर्नल रिजर्व मेंटेन करने के लिए, अगर कोई मान लो किसका पेमेंट करना है तो उसका तुरंत, जैसे दिखा तो मैं एग्जाम्पल 2013 में वैसा हुआ था, ये देखो ये एक स्पाइक दिखा रहा है 2013 में, देखो ऐसी रैली हुई थी डायरेक्टली 53 से लेके 68 तक, ये जो हुआ था वो उसके वजह से हुआ था कि कंपनीज ने अपना पेमेंट चालू कर दिया और यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ने अपना बोलते हैं ना स्टिमुलस पैकेज वाइंड अप किया था, जैसे एक्सपांड करते तो उसको बोलते हैं टेम्परिंग, जब यूएस मनी प्रिंटिंग बंद कर देता है ना तो उसके कारण डॉलर लिक्विडिटी का क्रंच आ जाता है, तो उसके कारण देखो कैसा मूवमेंट आता है डॉलर डॉलर का, में वैल्यू डिमांड बढ़ बढ़ जाता जाता है। है। हाँ ऐसा 2013 में उन्होंने एक बार किया था, उसके बाद वो तो सर इलेक्शन के बाद बट अब भी कर सकते हैं। नहीं, इतने जल्दी नहीं करेगा, अभी जो इम्पैक्ट है कोविड का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है सबकी इकोनॉमी, तो अभी जब तक यूएस फेड बोलेगी नहीं ना कि वी आर इनटू द, बोलते ना हॉकिश कमेंट नहीं दिया है वैसा देखा जाए तो, उन्होंने जब तक वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा ना तब तक मनी प्रिंटिंग नहीं रुकेगा। मनी प्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूके यूएस और यूरोप तीनों ने मनी प्रिंटिंग चालू कर दिया है, उसके वजह से उनका सबका थोड़ा वैल्यू मार्केट में कब, क्योंकि कैसा रहता है ना डॉलर इज अ सेफ हेवन करेंसी, ग्लोबल मार्केट में कोई भी रहेगा तो डॉलर को ज्यादा कीमत रहती है, डॉलर बोलो पाउंड बोलो यूरोप, इसके वजह से उसकी स्कैरसिटी अगर बढ़ जाएगी तो कीमत, जैसे आपने देखा होगा गोल्ड का, गोल्ड में बहुत स्पाइक्स आया था उसके वजह से आया था क्योंकि डॉलर की वैल्यू बहुत कम हो गई और सबको लगा गोल्ड इज द सेफेस्ट करेंसी है कोविड के लिए। ओके तो सर तो अभी आप सपोर्ट कहाँ देखते हैं इसमें, यूएस यूएसडी आईएनआर में? अभी देखो, अभी मैं मेजरली अगर वीकली में देखा जाए तो अभी नेक्स्ट एक्चुअली यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट आर्टिफिशियल आरबीआई ट्राई कर रही है यहाँ पे क्रिएट करने का बाय करके, बट मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे सस्टेनेबल होगा ये, अगर 73 अगर तोड़ा उसने कंफर्टेबली, यानी क्लोज चाहिए नॉट जस्ट गोइंग अप एंड डाउन, क्लोज होना चाहिए, तो ये जो प्रीवियस हाई ना है ना उसका 72 के रेंज में सेटल हो जाएगा, ये रेंज में घूमेगा वो इलेक्शन तक, ये देखो ये दिख रहा है ये रेंज रहेगा उसका, और आरएसआई भी देखा जाए ना तो ऐसा कुछ बुलिश नहीं दिखा रहा है, कुछ डाइवर्जेंस ये देखो पूरा कुछ, अभी जो भी राइज होगा ना वो एक्सपोर्टर्स उस पे हेज करेंगे क्योंकि उनको अच्छा चांस है ये 70, अगर यहाँ पे कोई एक आधा ग्रीन कैंडल आ गया इलेक्शन के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत सेलिंग होगा, तो ये शॉर्टिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मंथली में भी देखो ना पूरा मोरू बोजो कैसा कैंडल आ गया है, पूरा बेरिशनेस का साइन है, और आरएसआई देखो नीचे की तरफ झुक रहा है ऐसा ऊपर नहीं जा रहा है, तो अगर मंथली और वीकली बेरिश दिखा रहा है तो डेली में कुछ अगर ऊपर भी आएगा तो भी सस्टेन नहीं हो पाएगा, देखो डॉलर कितना बार ट्राई किया बट 50 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया आरएसआई, तो इट शोज कि रुपी में स्ट्रेंथनिंग आने वाली है, इट कुड गो टिल 72 और मैक्स टू मैक्स 70 तक, अगर इंडिया मैक्स, का अच्छा इकोनॉमिक सर डेटा बहुत, 70 तक भी आप टारगेट देखते हैं? हाँ 70 तक आ सकता है क्योंकि देखा जाए तो मैं कैसे, मैं इकोनॉमिक प्रस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, और जैसे मैंने अभी मेरे एक्सपोर्टर्स का जो हेजिंग किया है, मैंने हेजिंग 77 लेवल से ही हेजिंग किया था सबका, ऐसा कंफर्टेबल लेवल पे हेजिंग किया, तो मुझे वही लग रहा है कि उसने अगर नेकलाइन अच्छा खासा तोड़ा है अगर देखा जाए तो, ये तो 45 डिग्री के एंगल से ऊपर गया था ना पूरा सर उसने आपने नेकलाइन बोला एक्सपोर्टर्स का कब, हेजिंग किया है, इसका क्या मतलब है, समझाएंगे थोड़ा सा? कैसा रहता है ना एक्सपोर्टर्स को वीक, एक्सपोर्टर्स देखा जाए तो क्या उनको क्या पसंद होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा अच्छा होगा या डॉलर वीक उनको अच्छा लगेगा, आपको क्या लगेगा, कोई को कोई किसी को भी ज्यादा रुपए चाहिए ना कन्वर्जन पे, तो मैं क्या करता हूँ जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस दिखा तो आई विल स्टार्ट हेजिंग, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है मुझे मैं सब हेज नहीं करता हूँ, मैं पार्ट पार्ट में हेजिंग करता हूँ, तो मैंने क्या किया था एक्सपोर्टर्स को उनको पूछा था कि उनको कौन सा लेवल अच्छा है कंफर्टेबल, तो उन्होंने बोला 77 76 77 लेवल पे अगर मैं अगले 7-8 महीने के लिए हेज करूंगा तो आई विल गेट 78 79 80 लेवल्स का हेजिंग रेट्स बोलते हैं उसको, प्रीमियम ऐड होता है,
जैसे हम फ्यूचर्स में देखते हैं ना, फ्यूचर का प्राइस और स्पॉट का प्राइस में जो फर्क होता है उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो राइट जो प्रीमियम है ना वो एक्सपोर्टर को बेनिफिट होता है और इंपोर्टर्स को वो कॉस्ट होता है। जैसे एक्चुअली बाय सेल किस पे रहता है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, कोई खरीदने वाला होता है कोई बेचने वाला होता है, उसके बीच में बैंकर होता है जो बैंकर बिड और आस्क मैनेज करता है। बैंकर इज अ इंटरमीडिएटरी जिसके पास आप लेके जा सकते हैं अपने डॉलर्स की, ये डॉलर ले लो और मुझे फॉरवर्ड रेट दे दो। बोले फॉरवर्ड ओके मार्केट्स में हम ज्यादा खेलते हैं, कोई कोई कंपनीज एक्सचेंज थ्रू भी हेजिंग करते हैं फ्यूचर से। अभी लिक्विडिटी बढ़ी है तो लोग इंटरेस्टेड है, बट यहाँ पे इंडिया में भी वो प्रॉब्लम है कि 3 या 4 महीने के आगे लिक्विडिटी नहीं रहती है कॉन्ट्रैक्ट्स में। एक्चुअली ओके पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 12 महीने के, बट 12 महीने में लिक्विडिटी नहीं आती है, वो 3-4 महीने तक ही रहती है। अगर अभी अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर दिसंबर तक के ही आपको लिक्विडिटी दिखेंगी, एंड यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिट मोर लिक्विड होंगे। देन। आपने देखा होगा 100 लॉट्स भी मुश्किल से ट्रेड होते हैं और उसमें स्प्रेड भी बहुत रहता है ना बीड और आस्क में। राइट राइट सर, तो वही है कि मेरे को एक्सपेक्टेशन है यूएसडी है ना में, रुपी तो स्ट्रांग होने के चांसेस असर बहुत दिखा रहा है अच्छा खासा। तो फाइनली सर आपका और डेटा और फंडामेंटल्स बोल रहे हैं कि यूएसडी आईएनआर अभी नीचे की तरफ आ सकता है, और ऊपर की तरफ अगर कहीं जाता है तो वो सेलोन राइज की अपॉर्चुनिटी होगी, 74 के लेवल्स तक हमें देखो शॉर्ट करना चाहिए। अगर यहाँ तक आ गया ना, अगर फिर से 74 तक, ये देखो कब, अभी देखो ना जितने बार भी उसने ट्राई किया है, देखो नहीं, यहाँ पे विक्स आई है, कैंडल ऐसा हुआ ही नहीं, देखो ना अच्छा खासा सेल ऑफ बिल्कुल आया बिल्कुल है। सर, बिल्कुल शेडो बनी है बढ़िया। और यहाँ पे लोअर एंड में ज्यादा शेडो नहीं है, यहाँ पे कैंडल्स बनी, यहाँ पे एक बार शेडो बना था बस, ये एक ही डिप था रिलायंस के वजह से। बट अभी रिलायंस के और पैसे आ जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा फर्स्ट है 72, अगर वो भी नहीं सस्टेन हो गया तो 70 तक आ सकता है अगले दो चार ओके महीने में। पुट तो सर पुट खरीद के रख लें। खरीद सकते हैं आप आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है पुट का कुछ, बट आपको प्रॉब्लम वही है कि लिक्विडिटी नहीं है ऑप्शन में, आप अभी नहीं ले सकते ये, इसको थोड़ा टाइम लगेगा नीचे आने के लिए। उतने में तो पुट्स गल जाएगी सर। बट आपका तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल दोनों ले सकते हैं ना, सर मैं तो कॉल कॉल भी ले। बेचना ही पसंद करूंगा, मुझे तो राइटिंग ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ तो आप कॉल भी राइट कर सकते हो ना, मैं बोल रहा हूँ ना 74 का कॉल राइट कर सकते हो, 74 अगर ये भी टूटेगा ना 73, तो आप 73 का कॉल राइट कर दो ना, वो नहीं आएगा फिर से, एक बार 73 टूटेगा तो आप ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कर सकते हो। और RSI भी मेरे को एक भी इंडिकेटर ऐसा नहीं दिखा रहा है कि जैसे मैं इचुमुकु भी बहुत देखता हूँ आउटलुक के लिए, इचुमुकु क्लाउड भी एक जबरदस्त टूल है, वो भी मूविंग एवरेजेस जैसा ही है उसका, तो उसमें भी अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा रहा है, कोई भी ऐसे चांसेस नहीं कि क्लाउड के ऊपर है कि जा रहा है तोड़ के, अच्छा खासा अभी ये क्लाउड में गया है इसके वजह से रेंज बाउंड है। अगर ये क्लाउड के बोल देखा जाए तो ये देखो इसकी, अगर इचिमुकु का ये एवरेज देखा जाए तो 70-60 है, ये भी टूट जाएगा तो ये क्लाउड के नीचे आ जाएगा वीकली में भी। मंथली का तो कभी क्लाउड के नीचे आता नहीं, रूपी इज ऑलवेज वीक डेप्रिशिएटिंग करेंसी, बट वीकली में और डेली में आ जाता है वो क्लाउड के नीचे, ऑलरेडी डेली में है। इचिमुकु क्लाउड भी एक अच्छा अप टूल यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव को आपको देखना है तो आप ये देखो अच्छा खासा एक बार क्लाउड के नीचे आया तो वो वही उसका रेजिस्टेंस बन जाता है। ये देखो ये जो क्लाउड है ना, ये सब एवरेजेस है अलग अलग। ओके इचिमुकु क्लाउड भी अच्छा टूल है करेंसीज के लिए। ओके तो सर मेरा तो एक व्यू छोटा सा ये बना था लास्ट वीक, जैसा मैंने एनालिसिस किया था यूएसडी आईएनआर का, कि ये हाँ एक रेंज कंसोलिडेशन कर रहा है और एक सीढ़ी नुमा पैटर्न बनाता हुआ आ रहा है ऊपर से। एक अच्छा ब्रेकआउट आता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर एक नीचे ब्रेकडाउन आता है, फिर कंसोलिडेट करता है। तो वही है, शायद इसका कंसोलिडेशन जैसा आप बोल रहे हैं कि ये कंप्लीट हो गया है, और शायद अब ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो फिर ये 72 देख सकता है जरूर। आपने देखा होगा कभी भी जितना ज्यादा रूपी कॉन्सोलिडेट होगा ना उतना बड़ा ब्रेकआउट होता है, ये देखो कॉन्सोलिडेशन कितना हुआ था, ब्रेकआउट आ गया फिर से यहाँ पे भी बहुत, उसने एक टाइट रेंज में ट्रेड हुआ, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। अब अपसाइड के लिए भी वैसे रहते हैं, देखो अपसाइड के लिए भी देखो कब से वो, ये देखो एक ही रेंज में खेल रहा था और एक बार राइट तोड़ा तो राइट अच्छा रहता है। डाउनवर्ड का भी वैसा रहता है, रूपी का कैसा रहता है, मैंने बोला ना मैनेज करेंसी है पूरा, मैनेज करेंसी के कारण कैसा है ना रूपी RBI ज्यादा वॉलिटिलिटी लाने नहीं देता मार्केट में, इसलिए आपने देखा कभी भी बहुत ज्यादा शार्प मूव होता है तो करंट तुरंत एक ग्रीन कैंडल आ जाता है। मैं बहुत बार ट्विटर पे भी डालता हूँ कि यहाँ पे RBI इंटरवेंशन कर सकते हैं। सर, RBI कितनी रेंज तक इंटरवीन करता है, मतलब 1 रुपया 2 रुपया हम कितना माने?
नहीं ऐसा कुछ, उसका क्या रहता है ना, उनका वो ऐसा अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं करने देते, जैसे अपना स्टॉक में कैसा होता है, एक बार गिरने लगता है तो लोअर सर्किट भी लगता है उसमें। बट इसमें कैसा है ना, आरबीआई एक बोलते हैं ना, एक साइड स्टॉप कर देता है, बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी उस दिन के लिए तो रोक देता है वो, ऐसा ओके रहता है वो। बहुत मुश्किल है आरबीआई की लिक्विडिटी कैसा है, उनके हाथ में रहता है उनको कभी। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ इंटरवेंट नहीं किया, ये फॉल पे देखो जाने दिया तुरंत नीचे उन्होंने, तो अभी भी वैसा कर सकते हैं, अगर बहुत ही ज्यादा डिमांड है रूपी को तो वो नीचे आने देंगे, अभी कंफर्टेबल है वो, दे आर नॉट लाइक वरीड अबाउट की एक्सपोर्टर्स का क्या होगा। एक्चुअली इंडिया का क्या हुआ है ना, आपने देखा जाओगे लॉकडाउन के वजह से ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स बहुत कम हो गए इंडिया के, आप डेटा देखते होगे कि एक्सपोर्ट्स बढ़ गए बट इम्पोर्ट्स कम हुए हैं, वो इम्पोर्ट्स अभी नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, थोड़ा फिर से डिमांड बढ़ जाएगा डॉलर के लिए, बट अभी तो इतना आया नहीं है, इसलिए इंडिया का करंट अकाउंट भी सरप्लस में है, एक्सपोर्ट ज्यादा है इम्पोर्ट से। तो सही, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डाटा हम कहाँ देख सकते हैं? वो अपना investing.com में आप देख, उसका डेटा आता है, वो देखना पड़ेगा आपको, मंथली वीकली डेटा रहता है, आप investing.com ओपन करेंगे ना, उसका एक कैलेंडर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इकोनॉमिक कैलेंडर होता है, यहाँ पे जा सकते हैं आप investing.com में, इकोनॉमिक कैलेंडर होता है। ये देखो ऐसा करने का, आप एक्चुअली अगर आपको करेंसी अगर सीखना है ना तो आप ये डेटा देखो, कभी भी मेजरली यूके यूएस यूरोप और इंडिया और जापान का आप डेटा देखो, और चाइना का भी ले सकते हो, तो उनका डेटा से अच्छा खासा मार्केट घूमता है। तो ये देखो ये सारे डेटा रहते हैं, पीएमआई डेटा रहता है, सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग, ये पीएमआई डेटा के बाद भी आपको करेंसी में रिएक्शन देखता है कि अगर अच्छा डेटा आया खराब डेटा आया तो कैसा करेंसी मूवमेंट होता है, इसके कारण कभी भी आप देखते हो कि सडन एक नीचक रिएक्शन आता है, ऑपोजिट रिएक्शन आते हैं, तो ये पीएमआई के डेटा के कारण होता है। आपने देखा होगा अगर पाउंड में अभी रैली हुआ है थोड़ा, वो इसके कारण, क्योंकि उनका जो पीएमआई डेटा वो अच्छा आ रहा है, देखो फोरकास्ट एक्चुअल, ये जो आप थोड़ा फंडामेंटल में भी थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, यहाँ राइट पे सर, आपको राइट। डेटा तो इसमें आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा इंडिया का डेटा के लिए। इंडिया का है बट एक मिनट, सब कंट्रीज का डेटा रहता है बट इसमें अपना इंडिया का आता है, बट ये वीक में नहीं रहेगा तो नहीं, यहाँ पे आ जाता है इंडिया का डेटा कि अभी है, वो आपको हर वीकली देखना पड़ेगा, ओके अभी ये वीक पे तो कुछ नहीं दिखा रहा है इतना। तो करेंसी का मूवमेंट का प्रेडिक्शन इस डेटा को देख के भी किया जा सकता है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, बट आप बोले देखा जाए तो अगर आप रोज मैंने डे टू डे अगर डेटा ट्रैक करेंगे ना तो आपको एक इकोनॉमी के बारे में अंदाजा आएगा कि इसकी करेंसी में कितना स्ट्रेंथ रहने वाला है, आने वाला है शॉर्ट टर्म में। अभी मैं बोल सकता हूँ कि यूरोप में यूरो में और जीबीपी में अच्छा खासा स्ट्रेंथ आने वाला है, क्योंकि उनका अच्छा डेटा आ रहा है इकोनॉमिक्स का, वही आप डेटा देख के आपको अंदाजा आ सकता है कि आपको कहाँ पे शॉर्ट करना है कहाँ पे ये करना है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ट्रेड कर पाऊंगा, बट ये फंडामेंटल डेटा के कारण आप बहुत कभी भी पोजीशन अवॉइड भी कर सकते हैं, कि अभी देखा जाए कि अगर यूके फेड का यूएस फेड का मीटिंग है तो आज मत पोजीशन ले लो, क्योंकि वो उसके कमेंट्स के ऊपर ही मार्केट डिराइव होता है, एंड वी कांट वी डोंट नो व्हाट दे विल से आके मार्केट में, इसलिए कभी भी अभी अपने इंडियन आवर्स में तो यूके का भी ट्रेडिंग होता है, तो आपका अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड का मीटिंग होने वाला है, उनका गवर्नर कुछ बोलने वाला है तो उससे इम्पैक्ट होता है, तो आप वो टाइम पे आप मत पोजीशन ले लो, उसके कमेंट्स के बाद पोजीशन ले लो, तो आप वो कमेंट्स देख के आपको पता चलेगा कि उनके कमेंट से कैसे करेंसीज मूव होते हैं, अगर वो हॉकिश है डॉविश है उसके ऊपर, जैसे अभी आपने देखा होगा फ्राइडे को इंडियन अपने आरबीआई गवर्नर ने हॉकिश कमेंट दिया था इंडियन इकोनॉमी के बारे में और बैंक के बारे में, इसके कारण बैंक ने निफ्टी ने रैली किया था, आपने देखा होगा, राइट सर, राइट। तो क्योंकि क्यों रैली किया, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया, वो टेक्निकल देखने की भी जरूरत है, आपको मालूम है उन्होंने अच्छा कमेंट किया कि इंडिया की इकोनॉमी सुधरने वाली है, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का भी वेवर दिया है, ये सारे बैंक्स के लिए अच्छी चीजें हैं, और एनबीएस को भी उन्होंने रिकॉग्नाइज करने की अलग परमिशन दी है कोविड के वजह से, ये बैंक्स के लिए बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने आपने देखा होगा TLTRO करके एक रहता है, तो उसमें भी उन्होंने लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश की है आरबीआई ने इंडियन मार्केट्स में, तो ये सब कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, उसके कारण ही मार्केट बढ़ रहा है, टेक्निकल्स तो है ही मेजरली,
बट आपको फंडामेंटल्स भी आप फॉलो करेंगे ना, तो आग बंद करके पोजीशन ले सकते हैं कि आपको मालूम है ऊपर ही जाएगा, बस आप कमेंट्स के लिए रुकना है उनके, अगर उनका उल्टा कमेंट आए तो आपको पोजीशन नहीं लेना है। जैसे आप बजट का भी देख सकते हो, बजट के दिन बहुत स्विंग रहता है, तो ऐसे फंडामेंटल डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस इसके लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हर एक कमेंट्स, हर एक डेटा के बाद करेंसी कैसा रिएक्ट करता है। इसलिए मैं कभी कभी, मुझे ये फायदा भी होता है कि अगर रुपी में स्ट्रेंथनिंग आ रहा है सेकंड हाफ में, तो पता चलता है कि आज निफ्टी ऊपर जाएगा दोपहर तक, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो आपने कभी भी देखा होगा अपना निफ्टी फर्स्ट हाफ में जो जोन में घूमता है 9:15 से लेकर 10:30, उसके बाद बहुत शांत होता है, वो फिर से 12:30 बजे के बाद एक्टिव होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि यूके जो इन्वेस्टर है वो तभी ट्रेडिंग चालू करते हैं अपने इंडियन में, इसलिए वो थोड़ा वॉलेटाइल बाद में हो जाता है निफ्टी। तो इसका मतलब सर हम समझे, यूएसडी आईएनआर और निफ्टी में अगर हम यूएसडी आईएनआर का मॉर्निंग का व्यू देखते हैं तो निफ्टी का हम इवनिंग का व्यू बना सकते हैं। कभी कभी हेल्प होता है आपको देखे कि अगर बहुत सारा करेंसी एप्रिशिएट हुआ है तो समबडी हैज पुट मनी इन अवर इंडियन मार्केट, तो वो कभी कोई तो स्टॉक में तो जाएगा ना, तो उसके बाद आप देख सकते हो। और आप ये वेबसाइट पे भी है, NSDL करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप FPI और FII मॉनिटर होता है, उस पर भी आपको दिखता है कि हर दिन कितना FII और इन्होंने पैसा लाया है और निकाला है, उसका डेटा भी आ जाता है। तो ये एक एक फैक्टर सब चेक कर सकते हो। ओके राइट सर। सर कोई दूसरी करेंसी देखें? हाँ देखेंगे, अभी हम यूरो आईएनआर का देखेंगे आज, अभी यूएसडी आईएनआर का तो हो गया। देखो अभी यूरो आईएनआर का क्या हो रहता है ना, मैं देख, अभी बहुत से लोगों को मालूम है कि यूरो आईएनआर इज अ नॉर्मल ट्रेडर करेंसी, बट एक्चुअली वो नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं रहता, वो प्रोसेस है। एक्चुअली यूरो आईएनआर को यूएसडी आईएनआर और यूरो यूएसडी भी डिराइव करता है, तभी यूरो आईएनआर बनता है। जब आप यूरो यूएसडी इनटू यूएसडी आईएनआर करेंगे तो आपको यूरो आईएनआर का रेट आता है इसमें। राइट राइट सर। तो आप यूएसडी आईएनआर सिर्फ अगर देखा जाए तो यूरो आईएनआर अकेला नहीं घूम पाता है, वो क्या करते हैं डॉलर का भी रेट लेते हैं और यूरो यूएसडी का भी रेट लेते हैं, उसके बाद ही यूरो आईएनआर। तो इसलिए आप कभी भी देखते हो कि कभी कभी शार्प मूवमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, वो यूरो यूएसडी में जो शार्प मूवमेंट आते हैं ना, उसके वजह से यूरो आईएनआर एकदम ऊपर रहता है और अपना रूपी अगर स्ट्रांग हुआ तो वो नीचे आता है। इसके वजह से अपने को एक आध दो बार एक अपोजिट कैंडल दिखते है एक ही आवर में। देखो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है एक ही घंटे में कैसा नीचे ऊपर, ये उसके कारण फ्लक्चुएशन आ जाते हैं करेंसी में, यानी यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपी आईएनआर, ये तीनों करेंसी डायरेक्टली ट्रेड नहीं होते हैं इंडियन मार्केट्स में, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। बट एक्चुअल में वो आप क्या करते हैं मार्केट में, अगर आपको यूरो लेना है तो आप क्या करेंगे, पहले यूएसडी आईएनआर से डॉलर खरीदेंगे और फिर डॉलर बेच के यूरो खरीदेंगे, ऐसा करते हैं अगर आपको एक्चुअल टर्मिनोलॉजी में देखना है। उसके कारण यूरो आईएनआर में इतनी वॉलिटिलिटी है, इसलिए लोग डर जाते हैं कि हम यूरो आईएनआर नहीं, बहुत लोग बोलते मैं यूरो आईएनआर नहीं ट्रेड करता हूं, क्योंकि दे डोंट नो कि आपको यूरो आईएनआर के साथ आपको यूरो यूएसडी का मूवमेंट भी देखना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत बार ट्विटर पे यूरो यूएसडी का ज्यादा एनालिसिस डालता हूँ, वो मेजरली बहुत डिराइव रहता है, क्योंकि आपको यूएसडी आईएनआर की रेंज आपको मालूम होती है कि रुपी कितना घूमेगा, आपको मालूम है 1 रुपया 50 पैसा, यही उसका रेंज रहता है जब वॉलेटाइल नहीं होता है। बट यूरो यूएसडी को तो कंट्रोल नहीं करता ना आरबीआई, तो आपको अगर यूरो आईएनआर में ट्रेड करना है ना तो यू हैव टू एनालाइज ऑल्सो यूरो यूएसडी, वो भी बहुत ही वॉलेटाइल करेंसी है। आपने अभी देखा होगा यूरो में जो सडन राइज हुआ है वो क्यों हुआ था, तो यूरो यूएसडी ने जबरदस्त रैली किया था डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि मैंने बोला था जैसे ही यूएस फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट जीरो किए और स्टिमुलस बढ़ाया तो डॉलर की लिक्विडिटी मार्केट्स में बढ़ गई, तो लोगों ने क्या किया वहां से पैसे उठा के यूरोप में डाल दिया, क्योंकि यूएस ने इतना ज्यादा लॉकडाउन भी नहीं किया था और उनके उनका बहुत अनसर्टेनिटी था उनके मार्केट के बारे में, उसके कारण क्या होता यूरोप में यूके में सब पैसा उन्होंने डाला था इन्वेस्टर्स ने, तो उसके कारण ये देखो ये दो कैंडल देखो 16 तारीख और 23rd डेट को देखो, एक ही वीक में कितनी वॉलेटिलिटी थी, देखो ये दो वीक में। राइट सर, राइट राइट राइट। और अभी अगर देखा जाए ना मंथली और वीकली परस्पेक्टिव से तो यूरो तो बुलिश है, देखो दिख रहा है 60 के ऊपर है, अच्छा खासा बुलिश है, देखो इतना नीचे जाके फिर से वो ऊपर आ रहा है, इसलिए मेरा अगर यूरो आईएनआर देखा जाए तो बुलिश व्यू है यूरो आईएनआर पे लॉन्ग टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो ये यूरो आईएनआर ऊपर ही जाने वाला है, 90 लेवल तक जा सकता है ये। तो सर इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कहां देख सकते हैं अभी आपके हिसाब से? दिखाता हूं
एक्चुअली यूरो एनआर का क्या है ना, अप ट्रेंड में है वो, अगर उसका ट्रेंड देखा जाए ना तो ये देखो अप ट्रेंड है उसका अच्छा खासा, और आरएसआई भी अच्छा खासा बुलिश दिखा रहा है मुझे, ऐसा नहीं कि 40 में। तो, बट ये नेकलाइन है, बट उसका अगर यूरो आयना में जो उसका ऑल टाइम हाई था अभी तक का, वो अगर क्रॉस कर देगा वो तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए उसको 90 लेवल्स ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसने 90 लेवल्स ब्रेक कर दिया यहाँ से आके फिर से ऊपर, तो वो अच्छा खासा 91 92 नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है यूरो आयना लॉन्ग टर्म में। राइट राइट अभी इसीलिए अभी देखा जाए ना तो वो डोजी है, यानी अभी मार्केट अभी अगर रिसेंटली देखा जाए तो इनडिसीजनस मोड में है, डेली चार्ट देखा जाए तो देखो क्लाउड के नीचे है अभी भी, तो डेली में मतलब अच्छा खासा। ये क्लाउड के ऊपर आता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं एवरेज करते हुए। हाँ, तो क्लाउड को अगर देखा जाए तो डेली और वीकली देखो ना अच्छा खासा क्लाउड के ऊपर है, पूरा बुलिश है देखो, बट डेली में थोड़ा डाउनवर्ड है, बट आप आरएसआई देखो ना वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है साइन, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, जैसे आपने यूएसडीएनआर ने देखा था वो नीचे की तरफ झुक रहा था, जी, बट यूरो आईएनआर बुलिश दिखा रहा है अच्छा खासा, तो आप देख सकते हो कि यूरो आईएनआर में अच्छी खासी रैली आ सकते हैं, तो ये बाय ऑन डिप है अच्छा खासा। जैसे सर यूएसडी आईएनआर सेलोन राइज है, इसी तरह यूरो आईएनआर बाय ऑन डिप है, हाँ तो ये इस अभी वजह से भी शॉर्ट हो सकता है क्योंकि यूरो यूएसडी ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर हम क्रॉस करेंसी इसकी बात करें तो। हाँ, ऐसे अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैलकुलेशन कैसा रहता है, दिख रहा है ये कैलकुलेटर, सर कैलकुलेटर स्क्रीन नहीं ब्लैक दिख आ रही रहा, है कैलसी की। कुछ तो प्रॉब्लम है कुछ तो। एक्चुअली कैसा रहता है ना, आपने देखा होगा यूरो यूएसडी अभी 1.1817 है ना, अगर यूरो यूएसडी 1.2021 के ऊपर क्रॉस करेगा ना तो अपना यूरो आईएनआर भी, अगर रुपी भी स्ट्रांग होता है ना 1 रुपए से, तो भी वो ऊपर जाएगा, क्योंकि कैसा कि यूरो यूएसडी भी बहुत मेजरली अपवर्ड ट्रेंड में है, इसके कारण मेरे को लग रहा है कि यूरो आईएनआर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बुलिश व्यू है उसका पूरा, ओके, उसके पीछे मेरा फंडामेंटल भी है वो तो अलग बोलेंगे, बहुत बड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। यूरो आईएनआर का कैसा, यूरो यूएसडी का कैसा है ना, अभी डॉलर का वैल्यू बहुत कम है मार्केट में, और अभी अगर मान लो कोविड का इम्पैक्ट खत्म हो गया अगले मार्च तक, तो फिर से डॉलर का डिमांड ग्लोबली कम हो जाएगा, क्योंकि जब पैनिक खत्म हो जाएगा तो डॉलर की कीमत गिर जाती है मार्केट में, तो जब पैनिक खत्म हो जाएगा तो आप देखेंगे कि डॉलर का वैल्यू और कम हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, यूरो जीबीपी बोलो ये सब करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट ऊपर जाएगी, और यूरो आईएनआर बहुत काफी अरसे से डाउन ट्रेंड में था, आपने देखा होगा अब तक कभी डाउन ट्रेंड से वो अप ट्रेंड में आया, उसने ट्रेंड चेंज किया, देखो ये कितने सालों से ऐसे लोअर ट्रेंड में ही था अच्छा खासा, लोअर लो लगा रहा था, बट देखो इसके बाद उसने लोअर लो लगाने के बाद फिर से ट्रेंड चेंज किया, अभी वो धीरे धीरे ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है, हायर हाई अब हायर तो लोज हायर लगा रहा लोज, हायर लोज, हायर हाई फॉर्मेशन मंथली पर आ गया है। है। हाँ वही तो मंथली पे आ रहा है तो उसको बहुत टाइम लगेगा, बट अगर मैं देखा जाए तो यूरो आईएनआर अप ट्रेंड में रहेगा, तो इसलिए आपको एकदम इंटेलिजेंटली आपको सेल आप शॉर्ट कर सकते हो, बट आपको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए तो बुक करो, क्योंकि ये ज्यादा गिरेगा नहीं, ये थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर से ऊपर आएगा, तो इसका नेकलाइन तो है अभी, एक्चुअली ये 90-45 डिग्री एंगल से बहुत ही ऊपर गया है, ये अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में बोल रहा ना, शॉर्ट टर्म में थोड़ा यूरो नीचे आएगा देखा जाए तो, ये देखो ये बम्प रन रिवर्सल पैटर्न जैसा अभी हो गया है, तो अभी इलेक्शन तक थोड़ा सा यूरो आईएनआर डाउन हो सकता है, बट ओके, अगर ये अगर सस्टेन कर पाए ये नेकलाइन तो फिर से 90 के तरफ जा सकता है, अगर ये तोड़ा तो ये है, ये नहीं तोड़ेगा क्योंकि ये अपना पैटर्न बना रहा है अभी, हायर हाई हायर लोज, और आरएसआई भी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, और क्लाउड के ऊपर तो है ही वीकली और मंथली, तो बहुत ही अच्छा बुलिश है वो उसके कारण, तो आप यूरो यूएसडी भी ट्रैक कर सकते हो, यूरो यूएसडी का तो मेरा बुलिश ही है आउटलुक, पर अभी वो थोड़ा सा प्रेशर में है, ये देखो अभी ये क्लाउड तोड़ने की कोशिश कर रहा है अभी यूरो यूएसडी, देखो मंथली में इंडिकेटर तो दिखा रहा है आरएसआई अच्छा खासा बाइंग, ये बुलिश मोमेंटम में आ गया है, देखो ना कितने साल, ये देखो 2018 में पूरा डाउन ट्रेंड में था,
सर अभी जब दो ये साल बाद एचएमओ को उसके, आप यूज करते हो, इसकी कोई सेटिंग्स है क्या जो आप बिल्कुल वही सेटिंग्स शेयर यूज करते हो, जैसे ये नाइन ट्वेंटी नहीं जो सिक्स का जो था, आपको चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं है। देखो ये इसकी बाय सिस्टम डिफॉल्ट को क्लब, सेटिंग्स हैं। हाँ, मैं नहीं चेंज करता हूँ उसमें, ये परफेक्ट सेटिंग है इचिमुकु क्लाउड। ये आप डेली में भी देख सकते हो, ये देखो डेली में भी ये नहीं तोड़ पा रहा, ये क्लाउड के नीचे नहीं जा रहा है। यूरो यूएसडी देखो, वही दिखा रहा है कि ये अप ट्रेंड वाला ही ये रहने वाला है, यूरो यूएसडी का ट्रेंड। तो सर आप ट्रेडिंग के लिए क्या इसके सजेस्ट करते हो, अभी हमें क्या करना चाहिए यूरो में और आईएनआर में? यूरो आईएनआर में आप अभी के लिए शॉर्ट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, यानी इलेक्शन तक, बट उसके बाद अगर उसने अप ट्रेंड पकड़ा, मानो यूरो यूएसडी आपको 1.20 के आगे दिखा, तो आप बाय कर सकते हैं। अभी तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा नीचे आ सकता है वो, जैसे देखा जाए यूरो यूरो आईएनआर में। तो अगर आपको बाइंग में सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा आपको शॉर्टिंग से, क्योंकि वो अच्छा खासा अप ट्रेंड वाला ही है। अब ये नेकलाइन देखो, अगर अगर ये यूरो आईएनआर ने अगर ये तोड़ा, ये जो उसने नया बनाया है, अगर 86 स्पॉट बोल रहा हूँ मैं, फ्यूचर का तो मैं देखता नहीं, ज्यादा स्पॉट ही देखता हूँ, फ्यूचर और स्पॉट तो एक साथ ही घूमते। अगर उसने ये तोड़ा 86 60 का लेवल, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप शॉर्ट मत करो, कुछ फायदा नहीं। आप ये अगर यहाँ पे आ जाए तो बाय करके देखो, बहुत बार वो उसने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 देखो कितने बार सपोर्ट लिया है, और यही उसका पहला रेजिस्टेंस था देखो अब तक का यूरो का, अगर देखा जाए तो। देखो ओके ये देखो 1 2 3 4 चार बार उसने ट्राई करने के बाद ये तोड़ा है, तो यही लग रहा है कि मुझे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 86 60 का। अगर ये टूटेगा तो आएगा नीचे, बट ज्यादा नीचे नहीं आएगा, इसलिए मेरे को लग रहा है कि आप ये शॉर्ट करने वाला नहीं है, ये बाय वाला ही है। राइट सर राइट। तो आप डिप पे बाय करो ना, थोड़ा रुको, क्योंकि बाइंग में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपने मान लो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो आपको उसमें बहुत बेनिफिट होगा। ओके 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 राइट। तो यही है एनालिसिस। और बाकी आपको इकोनॉमिक्स, मैंने बोला ना इकोनॉमिक कैलेंडर रहता है, ये फॉरेक्स फैक्ट्री है, ये भी अच्छा टूल है, मैं ये भी यूज करता हूँ। इसमें देखो, फॉरेक्स फैक्ट्री इसमें में आप कैसे यूज करते हैं सर? फॉरेक्स फैक्ट्री में अपना नॉर्मल डालना है, फॉरेक्स फैक्ट्री करके गूगल पे, तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री का पेज आ जाएगा, कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री करके देखो, ये ऐसा आएगा आपको। उसमें ये सब न्यूज भी आता है, फोरम्स भी है, मार्केट के बारे में एनालिसिस भी रहता है, तो आप कैलेंडर में जा सकते हो, और कैलेंडर में आपको पूरे इसका डेटा दिखता है, ये वीक का, अगले साल का, कौन सा क्या क्या डेटा है। देखो अभी ये फ्राइडे का पिछले वीक का डेटा है, देखो यूरोप का और इसका सबका अच्छा डेटा आया था। ये डेटाज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, पीएमआई डेटा, बाद में ये जो रेड रहते हैं ना, देखा जाए तो रेड सबसे ज्यादा पावरफुल डेटा रहता है, ऑरेंज मीन्स मीडियम और येलो मीन्स इतना इम्पैक्ट नहीं होता है करेंसी पे इसका। ओके राइट राइट। फेड का चेयर जो मेन पर्सन है पॉवेल, जेरम पॉवेल, वो अगर जब बात करता है तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है मार्केट में। ये देखो एफओएमसी मीटिंग, बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो आप ये डेटा देख सकते हो, ये डेटा से भी आपको पता चलता है कि कब पोजिशन आपको कब एंट्री करना है, कब नहीं करना है। अगर ये डेटा दिखा रहा है कि ये डेटा आने वाला है, तो आप पोजिशन मत ले लो, क्योंकि ये उनका आउटकम आने के बाद पूरा मार्केट चेंज हो जाता है। वोलाटाइल हो जाएगा बाजार। और आप ये डे टू डे डेटा ट्रैक करेंगे ना, तो आपको पता भी चलेगा, तो आप वो एक बार बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करके करके आपको भी ये पता चलेगा, नहीं ये डेटा ऐसे ही आता है, इसका कंसिस्टेंसी अच्छा आ रहा है डेटा, तो आपको पहले ही पता चलता है कि बाय करना है कि सेल करना है। जैसे मेरे को जीबीपी में डेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख के पता चलता है कि नहीं अभी इनका डेटा अच्छा आ रहा है, तो ये आ सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और टेक्निकल आपको पहले ही सिग्नल देता है बाय का, क्योंकि जो ट्रेडर्स है वो पहले से बाय करके बैठे, तो आपको पता चलता है। बट कभी कभी कैसा रहता है, अगर डेटा उल्टा आया तो ही प्रॉब्लम आ जाता है, अगर एक्सपेक्टेड अच्छा था और एक्सपेक्टेड से नहीं तो बहुत पुअर डेटा आया तो नीचे आ जाता है वो, तो तभी आपको पोजिशन उसमें आपका लॉस भी लिमिटेड होता है। आपको पता है ना डेटा अच्छा नहीं आया है तो आप कट कर दो, आप होप मत करो कि अभी यहाँ से वो रिवर्स करेगा, क्योंकि वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है वो डेटा के बाद। तो आपको डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स डेटा है पूरा, राइट अनएम्प्लॉयमेंट राइट। ये केम, तो बहुत बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई। ये देखो ये मैं अपना इंडिया का भी आता है, मैं वो इंडिया का इतना ज्यादा रिलीज नहीं होता डेटा, बट ये बाकी कंट्री का तो पूरा 15 15 20 1 1 महीने का डेटा आ जाता है उनका वीकली बेसिस पे।
सर, अच्छा लगा आपसे बात करके. मुझे लगता है समय काफी हो गया है, हमें अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज करना चाहिए. ओके. तो सर आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपसे फिर हम बात करेंगे दोबारा, और आपसे और अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारियां शेयर करेंगे. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. थैंक यू.